हेलो स्टूडेंट्स, तो ये तुम लोग का इलेक्ट्रोलाइसिस का ये सेकंड लेक्चर है, सेकंड सेशन है। और जैसे कि हम लोग के लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे ना इलेक्ट्रोलाइसिस में, कि हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है ना। और फिर इलेक्ट्रोलाइट के बेसिस के ऊपर हम लोग पढ़े थे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, उसका कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे, है ना। हम लोग को मालूम है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बेस, एसिड, सॉल्ट के फॉर्म में भी पाया जाता है। हम लोग को ये सब चीज़ पढ़े थे। और इसके बाद भी हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक सेल किसको बोलते हैं हम लोग, उसके अंदर क्या कैथोड होता है, क्या एनोड होता है, ठीक है। तो ये सब लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, बस तुमको थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि तुम लोगों को थोड़ा सा रिविज़न हो जाए, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, एक और बात है कि तुम लोग को जो लास्ट क्लास में हम पढ़ाए थे उसमें से एक से छोटा सा टॉपिक था जो छूट गया था मुझसे, ठीक है, जो तुम लोग का है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बस मांगे, ये छोटा सा टॉपिक था वो छूट गया था गलती से, तो बस हम कोशिश किया कि ये चीज़ भी तुम लोग को लिखवा दें यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, अभी क्या हम लोग को बस नॉन इलेक्ट्रोलाइट पढ़ना है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जैसा हम लोग को मालूम है ना, इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, अ कंपाउंड विच इज स्टे इन अ लिक्विड स्टेट और इन मॉल्टन स्टेट। अगर वो लिक्विड स्टेट में रहते हैं और मॉल्टन स्टेट में रहते हैं, अगर उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, कौन सा इलेक्ट्रिसिटी, डीसी करंट, मतलब डायरेक्ट करंट, तो अपने आयंस में टूट जाता है, कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं हम लोग, ठीक इसका उल्टा, हम लोग करंट पास करने से, मतलब हम लोग उसको करंट पास करने से वो अपने आयंस में नहीं टूटेगा, कुछ भी नहीं टूटेगा, मतलब थोड़ा सा भी नहीं टूटेगा। अगर वो थोड़ा सा भी अगर नहीं टूटता है तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट में पढ़े थे ना, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक। स्ट्रॉन्ग में क्या था, 100 का 100% अपने आयंस में टूट जाता था, है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या था, पूरा 100% नहीं, बस थोड़ा बहुत अपने आयंस में टूट जाता था। बट नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो टूटेगा ही नहीं, ना वो ना करंट पास करने देगा, ना वो अपने आयंस में टूटेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं हम लोग। क्लियर तो बात, ठीक। अब इसका कुछ कुछ एग्जाम्पल है जो तुम लोग वहाँ पे देख लो। एग्जाम्पल क्या है, जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम है, जो तुम एग्जाम से पूछते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्टिल्ड वाटर। क्या है, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। तुमसे कभी एग्जाम में पूछेगा कि डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, अगर डिस्टिल्ड होगा मतलब प्योर वाटर अगर होगा तो वो क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। अगर वहीं पे तुमको अगर बोल देगा एसिडिफाइड वाटर, क्या बोलेगा, एसिडिफाइड मतलब एक ऐसा वाटर जिसके अंदर कोई एक एसिड, कौन सा एसिड, H2SO4 हम लोग मिला देते हैं, तो इस वाटर को हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं एसिडिफाइड, एसिडिफाइड वाटर। बात समझ गया, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है कब, जब इस वाटर के अंदर हम लोग एसिड डालते हैं तब। अब इसी वाटर का नाम क्या होता है, एसिडिफाइड, मतलब एसिड वाला पानी, ठीक है। अगर तुमको एसिडिफाइड वाटर बोलेगा तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, बट यहीं पर अगर तुमको बोले डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर, तो वो क्या होता है हम लोग का, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्लियर है। इसके अलावा एल्कोहल होता है, इसके अलावा किरोसिन होता है, इसके अलावा बेंजीन होता है, उसके बाद इसके अलावा ग्लूकोज, बहुत सारा है, ठीक है, बहुत सारा है, एंड यूरिया, बहुत सारा एग्जांपल है, बस थोड़ा बहुत इससे एग्जांपल रखना। तो ये सब एक ऐसा कंपाउंड होता है, ये तो अपना अपने आयंस में टूटेगा और ना खुद से ना इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ना करंट पास करने देगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बेसिस के ऊपर आ गया, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइट को जो डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी और ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन, मतलब इलेक्ट्रोलाइट की मतलब जो होगा वो एक करंट के बेस के ऊपर होगा और डिसोसिएट के ऊपर होगा, तो ये ना अपने आयंस में ब्रेक भी करता है और ना ही खुद से वो करंट पास कर लेते हैं, करने देते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, ठीक है। तो बस ये छोटा सा टॉपिक था जो लास्ट क्लास में छूट गया था, जो तुम लोग को अभी हम पढ़ा दें। अच्छा, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि राइट द टू डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो जहाँ तक उनको लगता है कि तुम अब आसानी से खुद से ही ले सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है,
बस मैं गया ठीक। इसको तुम लोग खुद से अपने जहन में अच्छे से तुम लोग खुद से कर लेना ठीक है। अब आगे इस चीज़ को अच्छे से कॉपी करते हैं। तो चलो हम लोग का अगला जो टॉपिक होगा हम लोग पढ़ते हैं उसको, चलो ठीक है। तो अब हम लोग अगला टॉपिक है कि हम लोग को इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है। जैसे हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे ना, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई एक कंपाउंड या कोई एक इलेक्ट्रोलाइट अपने आयन्स में टूट जाता है। कब, जब उससे हम लोग डायरेक्ट करंट पास करते थे। कौन सा करंट, डायरेक्ट करंट, इसको अच्छे से याद रखना ठीक है। कौन सा करंट, डायरेक्ट करंट ठीक है। तो हम लोग को इलेक्ट्रोलाइसिस जो पहला कराएंगे वो है NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं। इसको बोलते हैं सोडियम, इसको को बोलते हैं क्लोराइड। तो मिला क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड। इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कॉमन सॉल्ट। तो हम लोग देखते हैं कि कॉमन सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे कराते हैं। तो जैसे हम तुम लोग को लास्ट क्लास में बोला था ना कि जब भी हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ का हम लोग को जरूरत पड़ता है। तो ये हम एक ले लिया बीकर, इस बीकर को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, वोल्टा मीटर, याद आया, वोल्टा मीटर। जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं उसे क्या बोलते हैं, वोल्टा मीटर ठीक है। अब तुम लोग को हम ये भी बोले थे ना कि इसी वोल्टा मीटर के अंदर हम लोग दो मेटेलिक रॉड को कंजिस्ट कर देंगे, टू मेटेलिक रॉड को हम लोग कंजिस्ट कर देंगे। और इन दोनों मेटेलिक रॉड का जो नाम जो होता है वो डिपेंड करता है कि इस रॉड को हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं वो कौन सा टर्मिनल से। टर्मिनल मतलब पॉजिटिव, बोले थे ना हम लोग बैटरी का मतलब क्या, बैटरी खाली समझो कि एक सिंबल होता है। क्या सिंबल होता है, एक प्लस और माइनस का, है ना, प्लस और माइनस का जो सिंबल होता है उसे क्या बोलते हैं, बैटरी। ये सिंबल होता है बैटरी का। हम तो बैटरी तो इतना लंबा हम दिखा नहीं सकते, तो ये एक सिंबल हो गया बैटरी का। बस में जहाँ प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं हम लोग, बैटरी बोलते हैं। तो ये हो गया हम लोग का एक मेटेलिक रॉड हो गया ठीक है। अच्छा तो हम लोग को बोले थे ना कि एक उसी मेटेलिक रॉड से अगर हम लोग एक बैटरी के, बैटरी में क्या दो होता है ना, एक प्लस होता है, क्या होता है, माइनस। तो बैटरी के एक प्लस वाला से अगर हम लोग ऐड करेंगे तो प्लस वाला को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग, याद है, मतलब इस मेटेलिक रॉड को हम लोग बैटरी के प्लस से ऐड कर दिया है ना। तो प्लस से ऐड करने के बाद इस मेटल का नाम क्या आता है, एनोड। क्या होता है, एनोड, बस नाम रख दिया गया है केमिस्ट्री में कि इसी को अगर हम लोग प्लस से ऐड कर दें उसका नाम क्या होगा, एनोड होगा। एक और है ना जो बहुत फेमस है, इसका नाम क्या है, कैथोड। तो क्या एक एक ही बचा माइनस वाला। तो इस मेटेलिक रॉड को अगर हम लोग माइनस वाला से अटैच कर देते हैं, बैटरी के माइनस टर्मिनल से हम लोग ऐड कर देते हैं, तो केमिस्ट्री में इस रॉड को बोलते हैं हम लोग कैथोड बोलते हैं। बस नाम रख दिया गया और कुछ नहीं है ठीक है, कैथोड। तो ये हो गया एनोड, ये क्या हो गया, कैथोड हो गया ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग NaCl की ठीक है। तो NaCl जैसे तुम लोग को मालूम है ना, NaCl जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, होता है। अच्छा ये क्या सॉल्ट है ना, सॉल्ट है ना, ये एसिड और बेस से मिल क्या है ना, ये क्या है, सॉल्ट है। तो बेसिकली क्या होता है, जो NaCl जो होता है, NaCl जो होता है वो सॉलिड होता है। क्या होता है, NaCl जो होता है वो एक सॉलिड स्टेट में होता है। जबकि हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोलाइट में कि जो सॉलिड जो सब्सटेंस जो होता है वो अपने आयंस में नहीं टूटेगा है ना, करंट तो पास होगा बट अपने आयंस में नहीं टूटेगा। और वो अपने आयंस में नहीं टूटेगा तो वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा ठीक है। तो आयंस में कब टूटेगा, जब इसके बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो ब्रेक होगा तब, जो स्लो होगा तब। तो इसी को हम लोग मोल्टेन या फिर लिक्विड स्टेट बनाने के लिए हल्का सा क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग वाटर डालते हैं। क्या डालते हैं हम लोग, वाटर। अब यहाँ पे तुम लोग का सवाल आएगा कि सर ये तो वाटर जो होता है वो तो ऑलरेडी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। हाँ तो बात तो सही है, बट यहाँ पे वो वाटर डाल रहे हैं हम लोग जो एसिड वाला है। जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, एसिडिफाइड, एसिडिफाइड वाटर। अब तो हो गया, मतलब ये भी क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया और ये भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग, ये अब इसका मिक्सचर हो गया। अब ये कहाँ रहेगा, इसी बीकर के अंदर रहेगा। मतलब इस बीकर के अंदर क्या है, एक तो मेरा NaCl है और प्लस ये मेरा एसिड वाला पानी है जिसको बोलते हैं हम लोग एसिडिफाइड वाटर बोलते हैं हम लोग। बस मान गया ठीक है। अब ये सॉलिड नहीं हुआ क्योंकि अभी इसके अंदर हम लोग पानी मिला दिया। अब इसको हम लोग करंट पास करेंगे तो अपने आयंस में ये टूट सकते हैं ठीक है। तो अब सपोज कर लो हम यहाँ पे जो NaCl लिए हैं
ये अब सॉलिड वाला नहीं है, ये लिक्विड वाला ही, फिर ये मल्टी स्टेबल है। अब सपोज को लो यहाँ से हम करंट पास कर रहे हैं, तो करंट पास करने से क्या होगा, ये अपने आयंस में टूट जाता है। तो पहले वाला किस में टूटता है बोलो तो, Na+ याद आया। और जो सेकंड वाला जो होगा हमेशा यहीं से टूटेगा है ना, हमेशा यहाँ से टूटेगा। तो पहले टूटा Na+, अब बाद में क्या टूटेगा, Cl- हो गया। तो ये क्या हो गया आयंस, अब तुम लोग को मालूम है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैट आयन। क्या बोलते हम लोग, कैट आयन। इसको क्या बोलते हम लोग, एन आयन। अब देखो ये जो एन ए सी एल वो ब्रेक हो गया एन ए प्लस में और सी एल माइनस में, इसका मतलब तुम्हारे अंदर ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो है ना यहाँ पे हल्का सा जो हम लिक्विड दिए वो सब इलेक्ट्रोलाइट, किसका इलेक्ट्रोलाइट, ये एन ए सी एल और वाटर का ही मिक्सर यहाँ पे रखा हुआ है, बस मैं गया। अब देखो अब इस एन ए सी एल को बस तुमको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये एक टूट टूट गया एन ए प्लस में और एक टूट टूट गया तुम्हारा सी एल माइनस में, है ना। तुम्हारे सॉल्यूशन के अंदर क्या, एन ए प्लस और सी एल माइनस है, क्लियर इतना बात, ठीक है। अब इसके बाद अच्छे से समझो तुम लोग कि यहाँ पे क्या कहानी होता है, ये जो कहानी है तुम लोग का आने वाला जो भी क्लासेस होगा उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में टूट गया एन ए प्लस में और सी एल माइनस में, ठीक है। चलो अच्छा एक और बात यहाँ पे तुम लोग को बोलना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे तो वाटर है ना, क्योंकि ये भी तो मेरा पानी है, ये कौन सा पानी है मेरा, एसिड वाला पानी, मतलब एसिडिफाइड वाटर है, ठीक है। तो ये भी तो अब इलेक्ट्रोलाइट हो गया, तो ये भी अपना आयंस में टूटेगा। तो अभी इस चीज़ को हम अभी इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हमको सिर्फ मतलब है NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस का, तो सिर्फ हम इसी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, है ना। ये भी अपने आयंस में टूटेगा, जो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस होगा, एक जाएगा कैथोड के पास, एक जाएगा एनोड के पास, तो इसमें ये भी जाता है, बट इस चीज़ को अभी हम इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग को NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है, बस मैं गया, ठीक है। अब तुम लोग को मालूम है ना, देखो ये Na एक तो हो गया हम लोग का Na+ और एक क्या हो गया हम लोग का Cl-। अब याद रखना बाबू यहाँ पे कि जो कैथोड जो होता है, एनोड जो होता है, इसका काम क्या होता है कि बस एक आयन को डिस्चार्ज करना, क्या करना, डिस्चार्ज। ये सपोज को अगर हम बोलेंगे Na+, इसके ऊपर चार्ज है ना, तो ये डिस्चार्ज कब होगा, जब इसके ऊपर साइन प्लस का खत्म होगा, तो क्या बन जाएगा वो Na, है ना। पहले इसके ऊपर क्या चार्ज, प्लस चार्ज था, अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये था मेरा आयन, ये क्या बन गया, एटम। जब कोई एक आयन जब एटम बन जाता है तो वो डिस्चार्ज होता है, और डिस्चार्ज कहाँ पे होगा, हमेशा कैथोड और एनोड के ऊपर होगा। तो कैथोड और एनोड का काम ही होता है कि आयन को डिस्चार्ज करना, आयन को चार्ज से फ्री करना, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो। तो इसका भी काम क्या होता है, डिस्चार्ज, है ना, या इसके ऊपर भी क्या होगा, डिस्चार्ज, बस मैं गया। हाँ अब यहाँ पे क्या है बाबू, क्या अब इन दोनों में क्या होगा ना, लड़ाई होगा, लड़ाई झगड़ा होगा कि कौन किसके पास जाएगा, ये बोलेगा कि हम उधर जाएंगे, ये बोलेगा उधर जाएंगे। तो कैथोड एनोड बोलेगा, देखो कैथोड बोलेगा, देखो बाबू मेरे पास वो आएगा जो प्लस वाला होगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, खुद से ही माइनस है, तो ये उसको लेगा जो प्लस वाला होगा, क्योंकि ऑलरेडी तो उसके पास माइनस है। तो कैथोड बोलेगा मेरे पास वो आना जो प्लस वाला होगा, तो प्लस वाला कौन है, ये है ना, तो Na+ हंसते खेलते हुए जाएगा कैथोड के पास, कहाँ जाएगा, कैथोड के पास, ठीक है। और माइनस वाला जो है वो रोते हुए जाएगा एनोड के पास, क्यों जाएगा, क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज है, ऐसे पास क्या है, माइनस चार्ज है। तो ये एक तरीका हुआ याद रखने का। एक और तरीका हम तुम लोग को बता दे रहे हैं, याद रखोगे, देखो यहाँ पे क्या है, देखो तो कैट आयन है ना, तो कैट आयन कौन हो गया, प्लस वाला, तो कैट आयन कहाँ जाएगा, कैथोड के पास, कैथोड, तो यहाँ पे कैट कैथोड, मतलब कैट आयन कहाँ जाएगा, कैथोड के पास। अब ये क्या बना, एन आयन, तो ये जाएगा एनोड के पास, एन से एनोड हो गया, एन से सॉरी एन से आयन, एन आयन हो गया, एन से क्या हो गया, एनोड हो गया, मतलब एन आयन और एनोड काफी सिमिलर है ना, तो एन आयन जाएगा एनोड के पास, कैट आयन जाएगा कैथोड के पास। तो याद रखने का बहुत सारा तरीका होता है केमिस्ट्री में, बहुत सारा लॉजिक होता है, ठीक है। तो प्लस वाला माइनस वाला लेगा, माइनस वाला प्लस वाला लेगा, तुम ऐसे भी ट्रिक करके याद रख सकते हो, या फिर कैट कैट आयन कैथोड के पास, एन आयन एनोड के पास, तो बहुत सारा चीजें होते हैं, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म में ये सबसे पहला पार्ट हुआ।
अब दूसरा पॉइंट देखो, अगर ये एनए प्लस कैथोड के पास जाता है तो कैसे डिस्चार्ज होता है वो हम लोग देखते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग रिएक्शन एट कैथोड और रिएक्शन एट एनोड। बस समझ गया कि कैथोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होगा और एनोड के ऊपर रिएक्शन कौन होगा। हाँ, तुमको बस सिर्फ याद रखना है कि कैथोड पे क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। क्या होता है? डिस्चार्ज। जो चार्ज वाला एटम जो होगा ना वो डिस्चार्ज होगा, एनोड को भी क्या होगा, वो डिस्चार्ज होगा। क्या होगा? डिस्चार्ज, मतलब चार्ज खत्म हो जाएगा उसके ऊपर। अब तुमको मालूम है ना कि कैथोड के पास कौन जाता है, कैटायन, अभी तो लॉजिक बताया था, और एनोड के पास कौन जाता है, एन आयन। तो देखते हैं, अब देखो कैथोड के पास कौन जाएगा, देखो कैथोड के पास क्या प्लस वाला जाएगा ना, तो एन ए प्लस जाएगा कहाँ, कैथोड के पास। अब यहाँ पे डिस्चार्ज कैसे होगा, तो कैथोड बोलेगा देख भाई मेरे पास ना बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है ना, तुम ले ले हमसे। मतलब कैथोड जब ये इसके पास जाएगा ना, ये बोला भाई हमको डिस्चार्ज कर दो ना, हमको डिस्चार्ज कर दो ना, तो कैथोड बोले अच्छा ठीक है हम तुमको डिस्चार्ज कर देंगे, बस कंडीशन है हमसे इलेक्ट्रॉन ले लो। सिंपल सा बात है, बस समझ गया। तो कैथोड जाएगा, सॉरी ये कैटायन जाएगा कैथोड के पास, और इसको बोला भाई हमको डिस्चार्ज कर दो, हमको डिस्चार्ज कर दो, तो बोले हम कर देंगे, हमसे इलेक्ट्रॉन ले लो, हमसे इलेक्ट्रॉन ले लो। ठीक है, तो क्या होगा, एन ए प्लस को एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का सिंबल। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का सिंबल। अब कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, जितना इसके पास चार्ज, इसके पास चार्ज कितना है, इसे इस हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब ना डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब इसके पास चार्ज खत्म हो जाएगा, क्या बन जाएगा वो, एन ए, है ना। ये क्या था, आयन था, ये क्या था, एटम, ये क्या था मेरा, एक आयन था, ये क्या बना, एटम बना। तो क्या हो गया, चार्ज का खत्म हो गया ना। ठीक है, अच्छा एक और बात याद रखोगे, देखो हम तुम लोग को लास्ट क्लास में बोला था ना कि कोई एक एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, तो उसका कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पे होगा रिडक्शन, है ना। अब सर कैसे हुआ, हम लास्ट क्लास में तुम लोग को बोले थे, फिर से हम बात दे रहे हैं, ये एक आयन है, जब कोई एक आइटम या आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रिडक्शन। अब याद कैसे रखोगे, मेरे पास एक ट्रिक है जो तुम लोग को लास्ट में बताए थे भी, देखो आर आई जी, मतलब आर मतलब रिडक्शन, आई मतलब इज, जी मतलब गेन, गेन क्या गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस समझ गया, तो ये जो एन ए प्लस है वो किस में चला गया, वो एन ए में, मतलब वो डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, चलो अब काम करते हैं। हाँ तो ये हो गया ना, तो ये जाके एन ए प्लस जा करके क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और इसी पे जाके चिपक जाएगा, मतलब स्टिक हो जाएगा, इसी पे जाके चिपक जाएगा, कहीं बैठ जाएगा कि हाँ भाई हमको इलेक्ट्रॉन दो, हमको इलेक्ट्रॉन दो, हमको इलेक्ट्रॉन दो। अब ये इसको देगा, ये डिस्चार्ज होता रहेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग एनोड में, एनोड में कौन जाएगा, एक ही तो यहाँ पे बच्चा बचा है, कौन सा बच्चा, सी एल माइनस, क्या बचेगा, सी एल माइनस, वो कहाँ जाएगा, एनोड के पास। तो क्या होगा, सी एल माइनस। ठीक है, अब ये बोलेगा एनोड को कि भाई हमको डिस्चार्ज कर दो, हमको डिस्चार्ज कर दो, हमको डिस्चार्ज कर दो, है ना। तो ये बोले, एनोड बोलेगा कि हम तुमको डिस्चार्ज कर देंगे, तुम एक काम करो, तुम्हारे पास तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, माइनस किसी भी एटम आयन के पास अगर माइनस है, इसका मतलब उसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, क्या है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। तो एनोड बोलेगा कि तुम हमको इलेक्ट्रॉन दे दो, क्या तुम्हारे पास बहुत सारा आयन इलेक्ट्रॉन है, तब हम तुमको डिस्चार्ज कर देंगे। तो बोला ठीक है भाई तुम ले लो हमसे। तो क्या करेगा, ये जो है सी एल माइनस जाएगा एनोड के पास और एनोड को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना। अब सी एल माइनस बोले हम तुमको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब हमको डिस्चार्ज कर दो, तो ये सी एल माइनस है वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा सी एल में, मतलब ये क्या था मेरा, आयन था, है ना, बस आयन तो था ना,
वो चला गया किसमें, एटम में चला गया, है ना। तो इसका क्या हुआ बोलो तो, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन। अब ले सर ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हम तुम लोग को लास्ट क्लास में तुम लोग को कराते हैं, ठीक है। कि हम ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, मतलब कोई एक आयंस जब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन करे चाहे दो इलेक्ट्रॉन करे, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। याद रखने का ट्रिक क्या होता है, जो तुम लोग को लिखाए थे हम लास्ट क्लास में, है ना, ऑयल जिस तुम सर में तेल लगाते हो, है ना, वो मतलब ऑक्सीडेशन, आई मतलब इज, एल मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रहेगा। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो बस एक याद रखना आप है कि हमेशा कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है और एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो कभी उनसे पूछे अभी सवाल में कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl या फिर वाटर, है ना, कैथोड के पास कौन सा रिएक्शन होता है, तो रिडक्शन होता है। एनोड के पास कौन सा रिएक्शन होता है, तो ऑक्सीडेशन होता है। अगर तुमसे पूछेगा कि इसमें कौन टाइप का रिएक्शन होता है, तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स। क्या बोलते हैं हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन, क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही होता है, तो दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, REDOX, रिडॉक्स रिएक्शन होगा, क्लियर है। तो ये बस एक छोटा सा मैकेनिज्म हो गया कि एक हम लोग एक NaCl को कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, ये इसका प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब जो तुम लोग को ये पढ़ना है वो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए। अब इसको तुम लोग अच्छे से उतार लो, अच्छे से समझ लो, तुम लोग को ट्रिक बता दिए हैं, इसको अच्छे से समझना पढ़ना और इसका अच्छे से तुम लोग नोट्स मारना। ये पहला इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ हम लोग का, ठीक है, चल जल्दी से उतारो इसको अच्छे से समझ के, हो गया। चलो तो अब हम लोग का एक लास्ट टॉपिक बचा है, मतलब अभी तो पढ़ना बहुत है यहाँ पे, इस वीडियो में एक लास्ट टॉपिक बचा है हम लोग को, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग को वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है, ठीक है। तो जैसे तुम लोग को बोले थे ना कि जैसे हम लोग NaCl का इलेक्ट्रोलाइज कराए थे, तो NaCl जो था, जो कॉमन सॉल्ट था, वो अपने आयन्स में टूट गया था, ब्रेक हो गया था। क्यों ब्रेक हो गया था, क्योंकि जो NaCl जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता ही होता है, जो हम लोग को मालूम है। बट हम लोग को मालूम है ना, जो वाटर जो होता है, जो प्योर वाटर जो होता है, प्योर वाटर या फिर एक डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, वो क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। बट हमको उसका इलेक्ट्रोलाइज करना है, तो क्या इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, नहीं होगा। तो क्या करेंगे, उसी पानी में हल्का सा एक एसिड मिला देंगे हम लोग, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, जैसे अच्छा देखो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि कराने के लिए हम क्या एक बीकर लेते हैं ना, तो ये क्या हो गया हम लोग का, एक बीकर हो गया। तो ये तुमको दिखने में तो हो सकता है थोड़ा डरावना लग गया, ये बढ़ने बट डरने वाला बात नहीं है, ये थोड़ा एक अलग टाइप मतलब स्पेशल टाइप का कुछ बीकर है, ठीक है। तो इस बीकर का एक नाम दिया गया है, जिसका होफमैन बीकर, क्या है, होफमैन हो सकता है, इसका स्पेलिंग हो सकता है गलत होगा, बट इस बीकर को क्या नाम दिया गया है, होफमैन, क्योंकि होफमैन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, मतलब केमिस्ट्री में इसका बहुत रोल है, खास करके तुम 11th 12th में केमिस्ट्री पढ़ोगे तो होफमैन रिएक्शन, होफमैन ये बहुत सारा चीज आएगा। तो ये होफमैन जो है ये अपना खुद से कंस्ट्रक्ट किया गया था, इसलिए इस बीकर का नाम क्या रखा है, होफमैन बीकर रखा है, ठीक। अच्छा अब होफमैन ये बीकर हो गया, अब इसके अंदर हम लोग वाटर डालेंगे, है ना, तो कौन सा हम लोग पानी डालेंगे, हम लोग को तो पानी डालना है, वाटर H2O, है ना, प्लस ये जो पानी हो गया वो प्योर वाटर हो गया। अब इसके साथ हल्का सा क्या करेंगे हम लोग, H2SO4 डाल देंगे हम लोग, हल्का सा पानी H2SO4 डाल देंगे, तभी तो एसिड वाला पानी बन जाएगा, बस मैं गया। अब इसके अंदर जो भी जो वाटर जो लिक्विड होगा, है ना, जो लिक्विड होगा वो कौन सा होगा, एसिडिफाइड वाला होगा, मतलब इसके अंदर वाटर भी होगा और उसके अंदर हल्का सा मिला हुआ एसिड भी रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिडिफाइड वाटर रहेगा, बस मैं गया। चलो ठीक, दूसरा बात, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा, अब इलेक्ट्रोलाइट मेरा कौन सा हो गया, एसिडिफाइड वाटर हो गया, ठीक है। तुम सिर्फ पानी मत बोलोगे, क्योंकि पानी के अंदर जो है, पानी के अंदर एसिड भी मिला हुआ है, तो पहला बात तो पानी तो मेरा इलेक्ट्रोलाइट है नहीं,
जब इसके अंदर हम एसिड मिला दिया तब ना ये इलेक्ट्रोलाइट बना। तो बेसिकली यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे वो हम बोलेंगे एसिडिफाइड वाटर। बस मांग गया एसिडिफाइड वाटर, या फिर तुम एसिड H2SO4 भी बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा एक और बात तुमको यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे एसिडिफाइड वाटर में हम लोग के पास देखो तीन एसिड है ना, कितना पीस एसिड है, तीन है ना। एक हम लोग के पास देखो HCl है, एक हम लोग के पास HNO3 है, और एक हम लोग के पास H2SO4 है ना। तो जिसमें से देखो ये तीनों है जो एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जबकि हम लोग इसको नहीं लेते हैं और इसको भी हम लोग नहीं लेते हैं और इसको लेते हैं। ऐसा क्यों? कभी कभी तुमसे एग्जाम में पूछेगा ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर व्हाई वी आर यूज H2SO4 व्हाइल HCl एंड HNO3 इज ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जबकि HCl और HNO3 जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसके बावजूद भी हम लोग सिर्फ इसी को क्यों लेते हैं? क्योंकि बच्चों क्या होता है जो HCl और ये जो एसिड होता है वो हाईली वॉलाटाइल होता है। क्या होता है? हाईली, याद रखोगे, हाईली वॉलाटाइल होता है। वॉलाटाइल का मतलब भाप बन के उड़ जाएगा बाहर में। जैसे मान लिया कि जब हम लोग पानी को इस एसिड के साथ मिलाएंगे तो ये एसिड जो होगा ना पानी को भाप बन के बाहर निकाल देगा। तो तुमको एसिड मिलेगा, पानी मिलेगा नहीं, तुम फिर इलेक्ट्रोलाइज कैसे कराओगे? तो ये सब जो एसिड होता है वो हाईली वॉलाटाइल होता है, जो पानी के साथ भाप बन के है ना, वाटर वेपर बन के वो बाहर निकल सकता है। तो इसलिए हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हम लोग, है ना। और ये जो होता है हम लोग का नॉन वॉलाटाइल एसिड होता है। तो कभी तुमसे एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वॉलाटाइल एसिड, तो क्या होगा? H2SO4 होगा। पास में गया, तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर जो हो गया हम लोग एसिडिफाइड वाटर। अच्छा इलेक्ट्रोड्स कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग? जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं तो इसके अंदर जो मेटेलिक होता है ना, मेटेलिक रॉड जो होता है वो कुछ स्पेशल टाइप का रॉड होता है, कुछ स्पेशल टाइप का रॉड होता है। ठीक है, तो उसमें कौन सा रॉड होता है? तो उस रॉड का जो नाम होता है, तो जो हम लोग इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं वो होता है हम लोग का प्लैटिनियम, प्लैटिनम फॉइल्स। इसको याद रखना तुम लोगों को, प्लैटिनियम का सिंबल क्या होता है? Pt। ठीक है, तुमसे पूछेगा भी कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर विच टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड आर यूज, तो होगा प्लैटिनियम फॉइल्स होगा। ठीक है, ये हो गया बात। दूसरा सोर्स ऑफ करंट, सोर्स ऑफ करंट का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोलाइज कराएंगे तो वहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगा, वो कहाँ से करंट आएगा? तो सोर्स ऑफ जो करंट होगा वो होगा DC करंट। इसका मतलब क्या? जो हम लोग को बैटरी से मिलेगा, और बैटरी से हम लोग को ज़्यादा अमाउंट में करंट नहीं मिलता है, बस छोटा सा करंट मिलता है, हो सकता है 2 एम्पेयर या फिर 3 एम्पेयर में ही मेरा काम चल जाएगा, है ना। क्योंकि बैटरी जो होता है वो छोटा सा अमाउंट ऑफ करंट देता है, जो हम लोग को, अगर हम लोग उसको टच करें तो हम लोग को फायदा नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इतना कहानी हो गया वोल्टमीटर, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रॉड्स और सोर्स ऑफ करंट हो गया। अब जो मेन जो इसका जो मैकेनिज्म है जो एग्जाम में तुम लोग से पूछता है वो चीज़ हम लोग देखते हैं। अब तुम लोग को मालूम है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट हो गया वो दो हो गया ना, एक तो हो गया हम लोग का वाटर, है ना, एक हो गया हम लोग का वाटर, और दूसरा क्या हो गया हम लोग का? H2SO4। एक हो गया हम लोग का वाटर। सपोज खुला अगर हम लोग इसको ब्रेक करते हैं तो जब भी पानी ब्रेक होगा, है ना, सपोज खुलो मेरा वाटर ऐसा फॉर्म में रहता है H और OH, तो हमेशा यहाँ से टूटेगा, तो पहला वाला टूटेगा H+ में, और लास्ट वाला टूटेगा OH- में टूटेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला मेरा जो वाटर टूट गया। इसी के अंदर तुमको मालूम है ना ये भी होता है ना, एसिड H2SO4 जब करंट पास होगा तो दोनों का दोनों ही टूटेगा, तो पहला वाला जो टूटेगा ये यहाँ से ब्रेक होगा, तो क्या होगा? यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन है ना, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 2H+। यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन है उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2H+, और क्या टूटेगा? SO4-2। अब यहाँ पे -2 क्यों? क्योंकि सल्फेट का वैलेंसी होता है वो -2 होता है। ये सब हम तुम लोग को केमिस्ट्री के पहले ही क्लास में तुम लोग को पढ़ा देते कि सल्फेट किसको बोलते हैं, नाइट्रेट किसको बोलते हैं, ये सब, है ना। इसका वैलेंसी, तो इसका वैलेंसी देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अगर -2 तो इसका वैलेंसी कितना हो गया? -2 हो गया। क्लियर इतना बात? हाँ, अब तुम लोग को मालूम है
कि ये जो चीज़ होगा दोनों कहाँ होगा, इसी के अंदर होगा ना, इसी के अंदर ना घूमता होगा। बस यहाँ पे ये फिगर छोटा सा तुमको हम दिखला नहीं पाएंगे, बस यहाँ पे ढूंढना कि ये जो टूट के ये अब आयंस में टूट जाते हैं। अब आयंस में टूटने के बाद तुमको मालूम है ना, एक जाता है कैथोड के पास और एक जाता है एनोड के पास, जो तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एक होगा हम लोग का एनोड, एक क्या होगा हम लोग का कैथोड। तो बस अब इसी को हम लिखने जा रहे हैं कि रिएक्शन एट एट कैथोड और रिएक्शन एट एनोड। ठीक है, अब क्या इसके ऊपर रिएक्शन होगा? अब देखो यहाँ पे, देखो दो ठो, अब तुम यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो दो पीस आयन हो गया, पर दोनों क्या है, एच प्लस है, दोनों तो एक ही टाइप का है। और यहाँ क्या हो गया कि देखो दो अलग अलग मेरा क्या बन गया, इसको क्या बोलते हम लोग, कैट आयन, ऐसे क्या बोलते हैं, एन आयन जो प्लस वाला होगा उसको क्या बोलते हम लोग, कैट आयन। इसको क्या बोलते हैं माइनस वाले को हम लोग, एन आयन। चलो इसमें तो कोई बात दिक्कत नहीं है, ये तो दोनों सेम है, बट इसमें क्या होगा, ये भी ओ एच माइनस है ना, और ये भी क्या सल्फेट SO4 माइनस टू है। अब इसमें से सबसे पहले डिस्चार्ज कौन होगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है कैथोड का काम क्या होता है, डिस्चार्ज करना। ऐसा का भी काम क्या होगा, डिस्चार्ज करना। तो सबसे पहले कौन डिस्चार्ज होगा इसमें से? अब देखो कैथोड का मतलब क्या होता है, माइनस। कैथोड का मतलब क्या होता है, माइनस। अब इसके पास कौन जाएगा, प्लस वाला। अब एच प्लस बोलेगा कैथोड के पास, जैसे यहाँ पे एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे कैथोड है ना, ये कैथोड, तो ये एच प्लस जाएगा कहाँ, कैथोड के पास, क्योंकि ये प्लस है और कैथोड जो होता है वो माइनस है। ठीक है, अब तुम लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना, देखो कैटायन कहाँ जाएगा, कैथोड के पास, और एनायन कहाँ जाएगा, एनोड के पास। और ये कैटायन कैथोड के पास जाएगा क्या होता है, बस डिस्चार्ज होगा। और ये एनायन जो है कैथोड एनोड के पास जाएगा क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो ये दोनों तो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन गया कहाँ पे, कैथोड के पास है ना, कहाँ गया वो, कैथोड के पास। अब कैथोड के पास जाएगा तो क्या करेगा, कैथोड बोलेगा मेरे हाइड्रोजन, ये जो कैथोड के पास जाएगा बोलेगा कि भाई हमको डिस्चार्ज कर दो, हमको डिस्चार्ज कर दो। तो कैथोड उसको क्या बोलेगा, हम डिस्चार्ज कर दिए, बट तुम मेरा माइनस चार्ज ले लो, है ना। तो क्या करेगा, जो एच प्लस है एक इलेक्ट्रॉन लेगा, कितना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये एच प्लस है वो चला जाएगा, सॉरी, हाइड्रोजन में, कहाँ जाएगा वो, हाइड्रोजन में आएगा। ये क्या था मेरा, आयन ए के चला, कहाँ चला जाएगा, एटम में। तो ये क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया ना। ठीक है, अच्छा एक और बात, कभी भी तुम लोग हाइड्रोजन को कभी तुम अकेला देखो, ऐसे हाइड्रोजन को जब भी देखते, इसका फॉर्मूला देखते हैं ना हम लोग H2, तो क्या होगा, इस टाइप का आइटम जो है इस बीकर के अंदर, इस बीकर के अंदर जो यहाँ पे तुमको नजर नहीं आ रहा है, वहाँ पे जो बीकर रखा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारा ऐसा होगा ना। तो क्या होगा कि एक ऐसा ही एक और हाइड्रोजन आपस में दूसरा हाइड्रोजन आइटम से कंबाइंड होगा और वो बन जाएगा H2। क्या बन जाएगा, H2 गैस। क्या बन जाएगा, H2 गैस, और वो कैथोड के पास रुक जाएगा। हो गया इतना कहानी, ठीक है, ये हो गया हम लोग का कैथोड का काम होगा। अब देखो एनोड का काम क्या होगा, एनोड में क्या होता है, थोड़ा ना डिफिकल्ट होता है। एनोड में क्या होगा कि जो ओ एच माइनस है और जो सल्फेट है, ये दोनों आपस में झगड़ा करेगा। ये बोले नहीं पहले हम डिस्चार्ज होंगे, ये बोले नहीं पहले हम डिस्चार्ज होंगे, ये बोले नहीं पहले हम, ये बोले नहीं पहले हम। तो फिर बोले अरे रुको रुको रुको, ये खुद ही बिगर खुद ही बोलेगा कि काम करो, मेरे पास कुछ एक ट्रिक है, पहले तुम इस ट्रिक को फॉलो कर लो। ठीक है, अब उस ट्रिक में देखो जो सबसे पहले जिसका नाम आएगा वही पहले मेरे पास आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक हम ट्रिक लिख रहे हैं, जैसे लिख दे रहे हैं यहाँ पे SO4 2- NO3- Cl- Br- I- और OH- है ना। इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको अच्छे से समझना, ठीक है, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। ठीक
ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, ये डिसाइड करता है कि एनोड के पास पहले वो आयंस आएगा जो इस सीरीज के सबसे नीचे होगा। यहाँ पे दो आ गया ना, एक हो गया सल्फेट, एक हो गया हम लोग का ये OH-। अब इन दोनों में सबसे नीचे कौन ये है ना, तो सबसे पहले ये डिस्चार्ज होगा, समझ गया। तो OH- क्या होगा, हंसते हंसते खेलते कूद जाएगा एनोड के पास, मतलब OH- के पास जाएगा, मतलब ये इसको चिढ़ाते हो जाएगा यहाँ पे एनोड के पास। अब ये एनोड बोलेगा OH- एनोड को बोलेगा कि भाई तुम हमको डिस्चार्ज कर दो। तो एनोड बोले एक काम करो, तुम्हारे से बहुत सारा माइनस चार्ज है, तुम हमको दे दो, हम तुमको डिस्चार्ज कर देंगे। तो क्या होगा कि ये जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, कितना, जितना इसके पास चार्ज, एक ही चार्ज है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब वो चला जाएगा OH में चला जाएगा, बस मांग गया। तो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया ना, ठीक है। अब क्या होगा, इस टाइप का जो OH है इस सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारा होगा ना, तो वो बस थोड़ा हल्का सा भाई यहाँ पे याद रखना कि 4 पीस OH आपस में कंबाइंड होगा, और कंबाइंड होके तुमको मिलेगा वाटर और प्लस ऑक्सीजन। क्या मिल गया, ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे 4 OH है ना, तो ये 4 OH टूट के हमको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलेगा, और साथ साथ हम लोग को ऑक्सीजन गैस भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन ये गैस हुआ था वो कहाँ पे निकला था, कैथोड के ऊपर ना, और ये जो गैस मिला है हम लोग को कहाँ पे मिला है, एनोड के पास मिला है। कहाँ मिला है हम लोग को, एनोड के पास मिला है, ठीक है। तो याद रखना एनोड के पास कौन सा गैस मिलेगा हम लोग को, ऑक्सीजन गैस, और कैथोड के पास कौन सा गैस मिलेगा हम लोग को, हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो 2 मॉलिक्यूल्स मिलता है, ठीक है। तुम यहाँ पे बैलेंस भी कर सकते हो, यहाँ पे बैलेंस भी कर सकते हो, 2 मॉलिक्यूल्स गैस मिलता है, और यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन मिलता है। मतलब अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम के हिसाब से, वॉल्यूम एज अ वॉल्यूम, ठीक है, तो हाइड्रोजन होता है 2, और ऑक्सीजन कितना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो होता है 2:1 होता है, ये तुमसे एग्जाम में पूछेगा। क्या होगा एग्जाम में, तुमसे पूछेगा, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे देखो कैथोड है ना, इस कैथोड में मालूम है क्या होगा, हाइड्रोजन गैस सब रहेगा, हाइड्रोजन गैस रहेगा, ठीक है। और इस यहाँ पे क्या है ना, देखो यहाँ पे क्या रहेगा, ऑक्सीजन गैस सब रहेगा, बस मैं गया। तो हाइड्रोजन ज़्यादा रहेगा, ऑक्सीजन क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। तो फिर से हम तुमसे एग्जाम में पूछेगा कि कैथोड के पास कौन सा गैस होता है, तो हाइड्रोजन होता है। एनोड के पास कौन सा गैस होता है हम लोग का, तो ऑक्सीजन गैस होता है, ठीक है। अब तुमसे पूछेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो होता है इसी के अंदर, तो क्या होता है, 2:1 होता है। अब इसको अच्छे से तुम लोग याद रख लेना, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस को अच्छे से पढ़ लिए, तुम अच्छे से इसको रिवाइज करना, इसको अच्छे से कॉपी करना, वीडियो को पॉज करके, ठीक है, और फिर इसके आगे हम तुम लोग को बात दें, ठीक है। धन्यवाद, चलो नेक्स्ट क्लास हम लोग कुछ और फिर पढ़ेंगे।